हेलो साथियों, साथियों आज हम करतारपुर में ये एक परिवर्तन यात्रा पहुंची है। ये जो परिवर्तन यात्रा है 7 अगस्त से लगातार चल रही है। 7 अगस्त 2018 से ये परिवर्तन यात्रा सिवनी मध्य प्रदेश से चल रही है और 6 फरवरी 2019 तक ये लगातार सारे देश भर में चलेगी। इसके पहले कई राज्यों में ये परिवर्तन यात्रा चल चुकी है, जैसे J&K में चल चुकी है, हिमाचल प्रदेश में चल चुकी है, पंजाब में 9 अक्टूबर से चल रही है और 4 नवंबर को अमृतसर साहिब में इसका समापन होगा। और ये जो हरियाणा में चल चुकी है, दिल्ली में चल चुकी है, उत्तर प्रदेश में चल चुकी है, बिहार में चल चुकी है, बंगाल में चल चुकी है, झारखंड में चल चुकी है, ओडिशा में कल उस कार्यक्रम का समापन हुआ। कल मैं ओडिशा में जाकर आया हूँ, भुवनेश्वर में, और छत्तीसगढ़ चल चुकी है, मध्य प्रदेश में चल चुकी है, राजस्थान में चल चुकी है, गुजरात में चल चुकी है, महाराष्ट्र में चल चुकी है, कई राज्यों में चल चुकी है। जो बचे हुए राज्य है वो 6 फरवरी तक पूरे कर लिए जाएंगे। 31 राज्यों में ये परिवर्तन यात्रा 441 जिलों में चली। ये जो परिवर्तन यात्रा है ये क्यों चलाई जा रही है, इसे जानना, इसे समझना बहुत जरूरी है। साथियों आज हम लोगों को ये बताया जाता है कि देश को आजादी मिलकर इतने साल हो गए, इतने साल हो गए लगातार बताया जाता है, मगर मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि देश आजाद हो गया। 15 अगस्त को अंग्रेज नाम का विदेशी चला गया और ब्राह्मण नाम का विदेशी देश का हुक्मरान हो गया। एक विदेशी चला गया, दूसरा विदेशी देश का हुक्मरान हो गया। 15 अगस्त तक हम अंग्रेजों के गुलाम थे और आज हम ब्राह्मणों के गुलाम। ये बात हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, मैं कभी ये नहीं कहता हूं कि अनपढ़ लोगों को पता नहीं है, ये अनपढ़ लोगों को कहां से पता होगा। इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूं कि पढ़े लिखे लोगों को पता नहीं, तो इसलिए साथियों ब्राह्मणों ने भारत पर कब्जा कर लिया। जिस तरह से अंग्रेज इंग्लैंड से भारत आए थे उसी तरह से ब्राह्मण यूरेशिया से भारत आए थे। अब ये बात डीएनए के अनुसार फाइनल हो गई है,
ब्राह्मणों का डीएनए भारतीय लोगों से मिलता नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी और मेडिकल साइंस के आधार पर यह बात प्रमाणित हो गई, प्रूव हो गई है, सिद्ध हो गई है। और ये चर्चा का विषय नहीं, सारी दुनिया के लोगों ने इस बात को स्वीकार कर लिया है। ब्राह्मणों ने इस देश पर कब्जा कर लिया, कानून और संविधान के विरोध में जाकर कब्जा कर लिया। अगर कानून और संविधान के अनुसार इस देश में चुनाव हुए होते तो ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है। 3.5% ब्राह्मण ग्राम पंचायत का पंच नहीं चुनवा सकता। अगर ईमानदारी से चुनाव हो गए होते तो ब्राह्मण ग्राम पंचायत का पंच नहीं चुनवा सकता, सरपंच बनाने का तो सवाल नहीं है। जो लोग इस गांव के ग्राम पंचायत का सरपंच नहीं चुनवा सकते, उन लोगों ने देश की पंचायत का प्रधानमंत्री नॉमिनेट किया। इसलिए जिन लोगों ने देश का प्रधानमंत्री नॉमिनेट किया, 2004 में मनमोहन सिंह को नॉमिनेट किया था, मगर असली सत्ता प्रणब मुखर्जी के हाथ में थी। 2014 में आरएसएस के ब्राह्मणों ने नरेंद्र मोदी, जो गुजरात का पिछड़ा है, उसको प्रधानमंत्री नॉमिनेट किया, मगर सत्ता ब्राह्मणों के नियंत्रण में है, फैसले लेने का अधिकार ब्राह्मणों के नियंत्रण में है। और जब फैसले वो लेते हैं तो स्वाभाविक है वो फैसले हमारे लोगों के विरोध में होते। मैं आपको एक उदाहरण देकर इस बात को समझाना चाहता हूं। मुर्गियों का सम्मेलन हो रहा था, बात समझाने के लिए बता रहा, और मुर्गियों का सम्मेलन किसने बुलाया था? मुर्गियों को काटकर खाने वाले लोगों ने मुर्गियों का सम्मेलन बुलाया था। तो जो काटकर खाने वाले, मुर्गियों को काटकर खाने वाले जो लोग थे, उन्होंने मुर्गियों को कहा कि आपको एक सम्मेलन में प्रस्ताव पारित करना है। तो मुर्गियों ने पूछा कि कौन सा प्रस्ताव पारित करना है? आप पंजाबी में शायद मता बोलते हैं, प्रस्ताव को मता बोलते हैं। थोड़ा पंजाब में आते आते थोड़ा बहुत मुझे आपके शब्दों की जानकारी हो रही है। तो काटकर खाने वाले लोगों ने मुर्गियों पर कहा कि आपको एक मता पारित करना है। मुर्गियों ने पूछा कौन सा मता पारित करना है? तो काटकर खाने वाले लोगों ने कहा कि आपको कौन से मसाले में तलना है, ये आपको मता पारित करके बताना है। कि आपको कौन से मसाले में तलना है, ये आपको बताना है। महंगे से महंगा मसाला आप बता सकते हो, आप विदेशी मसाला बता सकते हो, जो भी मसाला बताएंगे, मसाला बताने की आपको पूरी आजादी है। आपको कौन से मसाले में तलना है ये बताने के लिए आपको पूरी आजादी है। जब मुर्गियों ने सुना तो मुर्गियों के कुछ समझदार जो नेता लोग थे मुर्गियों के, वो आपस में चर्चा करने लगे। एक मुर्गी ने दूसरे मुर्गी को कहा कि इसका मतलब यह है कि काटना तय हो गया है, काटना तय हो गया है, क्योंकि ये मसाले की बात कर रहे, ये तो काटने के बाद ही ना मसाले की बात आती है, तो काटना तय हो गया है। दूसरे मुर्गी ने कहा कि ऐसा करते हैं, एक डेलीगेशन लेकर जाते हैं 10-12 मुर्गियों का, काटकर खाने वाले जो लोग हैं
उनके पास एक डेलीगेशन लेकर जाते हैं। 10-11 समझदार मीडिया इकट्ठा हो गई और इकट्ठा होकर काट कर खाने वालों के पास डेलीगेशन लेकर गए और मुर्गियों ने उनको कहा कि क्या ये नहीं हो सकता कि हमको काटा ही ना जाए, क्या ये नहीं हो सकता कि हमको काटा ही ना जाए। तो काट कर खाने वाले लोगों ने कहा ये फैसला तो पहले हो चुका है, ये फैसला पहले ही हो चुका है, केवल इतना काम बाकी है कि कौन से मसाले में तलना है, केवल इतना बाकी है। काटने का फैसला पहले हो चुका है, अब केवल इतना बाकी है कि आपको कौन से मसाले में तलना है, इतना बाकी है। जब दूसरे लोगों के हाथ में फैसला लेने का अधिकार आ जाता है तो काटने का फैसला तो पहले ही हो चुका होता है। जब दूसरों के हाथ में फैसला लेने का अधिकार आता है तो काटने का फैसला पहले हो चुका होता है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अंग्रेजों को भगाने के लिए आजादी का आंदोलन चलाया गया, इसलिए नहीं चलाया गया कि देश के समस्त लोगों को आजादी दिलाई जाए, इसलिए आजादी का आंदोलन चलाया गया कि अगर अंग्रेज भाग जाते हैं तो अंग्रेजों की जगह ब्राह्मणों को स्थापित किया जा सकता है। इसलिए आजादी का आंदोलन चलाया, सभी लोगों को आजादी दिलाने के लिए नहीं चलाया, अंग्रेजों की जगह ब्राह्मणों को स्थापित कर दिया जाए इसलिए आजादी का आंदोलन चलाया। इसलिए तमाम लाखों लोग हमारे शहीद हो गए, आजादी मिलेगी इस नाम पर शहीद हो गए लाखों लोग हमारे। और जब आजादी मिली तो अंग्रेजों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कश्मीरी ब्राह्मण था उसको देश हैंडओवर करके और उसको प्रधानमंत्री नॉमिनेट करके चला गया। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो 1952 को प्रथम लोकसभा का चुनाव हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 3.5% ब्राह्मणों को 60% टिकटें दी और 47% ब्राह्मण चुना कर लाए, भारत के संसद पर ब्राह्मणों का कब्जा करवाए। पहले चुनाव ये हमारे लोगों को पता है नहीं, हमारे लोगों को जानकारी नहीं है। ये मैं लोकसभा सेक्रेटरियट का आंकड़ा बता रहा हूं, ये चुनाव आयोग का डाटा बता रहा हूं, ये डाटा के साथ बता रहा हूं और इसके आधार पर उन लोगों ने पहले संसद पर कब्जा करके ऐसे ऐसे कानून बनाए, ऐसे ऐसे कानून बनाए, कानून बनाकर उन्होंने अपनी व्यवस्था पर, देश की व्यवस्था पर कब्जा करना ब्राह्मणों का शुरू किया। ये जो काम उन्होंने शुरू किया इस काम का परिणाम ये हुआ कि आज देश के संसद में ही नहीं देश के अंदर देश की सारी व्यवस्था में आज 5-5 नेशनल लेवल की पार्टियां अकेले ब्राह्मणों की है। 1885 को चटर्जी मुखर्जी बनर्जी गोखले तिलक आगरकर इन लोगों ने संगठन बनाया नेशनल कांग्रेस ब्राह्मणों का था। दूसरा संगठन 1925 को आरएसएस बना ब्राह्मणों का। तीसरा संगठन भारत की कम्युनिस्ट पार्टी 1925 को श्रीपाद अमृत गांधी जो बॉम्बे का कोकनस्थ ब्राह्मण था उसने बनाया। और तीसरी नेशनल लेवल की पार्टी भारतीय जनता पार्टी, ये बनाने के पहले आरएसएस के ब्राह्मणों ने जनसंघ बनाया था, उसका पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं मई ब्राह्मण था। चौथा नेशनल लेवल की पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ईएमएस नंबूदरी पार एवं नंबूदरी ब्राह्मण केरला का उसने बनाई। पांचवी नेशनल लेवल की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी ने बनाई, ये बंगाल की मुख्यमंत्री है और वो भी ब्राह्मणों की पार्टी। 5-5 नेशनल लेवल की पार्टियां अकेले ब्राह्मणों की है जिनकी संख्या 3.5% है। अगर ईमानदारी से चुनाव हो गए होते तो जो लोग ग्राम पंचायत में पंच नहीं चुनवा सकते उसकी 5-5 नेशनल लेवल की पार्टियां है। ये हमारे लोगों को पता है नहीं, देश के लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को पता नहीं।
इन्हीं पांच पार्टियों में से इन लोगों ने देश की व्यवस्था पर, देश के सिस्टम पर कब्जा कर लिया है। कांग्रेस जाती है तो बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आती है। एक ब्राह्मण की पार्टी जाती है तो दूसरी ब्राह्मण की पार्टी आती है, दूसरी ब्राह्मण की पार्टी जाती है तो पहली ब्राह्मण की पार्टी आती है। ब्राह्मणों का राज कायम कर दिया गया है, ब्राह्मणों का राज भारत पर छोड़ दिया गया है। ब्राह्मणों ने ब्राह्मण का राज भारत पर थोप दिया, और जिन लोगों ने भारत पर थोप दिया सारी व्यवस्था, उन्हीं लोगों ने लोकतंत्र को भी हाईजैक कर लिया। आज लोकतंत्र चार पिलर पर खड़ा। 2009 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो 375 सीटों पर ब्राह्मणों के पार्टी का कब्जा था। 2014 में चुनाव हुआ तो 411 सीटों पर, आउट ऑफ 5,43,000 411 सीटों पर ब्राह्मणों की पार्टी का कब्जा, विधायिका पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया। कार्यपालिका में आईएएस आईपीएस आईआरएस अधिकारी होते हैं, इन अधिकारियों में 79.2% यानी राउंड अबाउट 80% प्रथम श्रेणी के अधिकारी जो जिले में काम करते हैं इन्हीं लोगों ने कब्जा कर लिया। न्यायपालिका में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 97% जजेस इन्हीं लोगों के हैं, इन्होंने हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट पर भी कब्जा कर लिया। और चौथा पिलर है मीडिया, एक चार प्रकार का मीडिया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ब्राह्मण बढ़िया पर कब्जा, प्रिंट मीडिया में अखबार और किताबें छापने पर कब्जा, तीसरा मीडिया ट्रेडिशनल मीडिया मुरारी बापू नसाराम बापू डोंगरी महाराज ओझा महाराज भाजा महाराज राजा महाराज अनियोधर महाराज बचा कुचा महाराज सारा का सारा इन पर भी कब्जा। चौथा मीडिया है लोकल मीडिया, जैसे मैं भाषा का उपयोग कर रहा हूं, देश में 7,500 बोली बोली जाती है जिसकी कोई स्क्रिप्ट नहीं है, इसलिए केंद्र सरकार उसको मानती नहीं है। ब्राह्मण ग्रंथ भाषा बोलता है, ग्रंथ भाषा ही लिखता है, उसको मान्यता है। तो इस तरह से इन लोगों ने लोकतंत्र को भी हाईजैक कर लिया है, और लोकतंत्र पर भी कब्जा करने की वजह से इसे हम लोकतंत्र नहीं कह सकते। इन्होंने ब्राह्मण तंत्र में लोकतंत्र को रूपांतरित कर दिया, लोकतंत्र से लोक गायब कर दिया, और केवल तंत्र बचा हुआ है, और तंत्र को ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया। अगर आप पुलिस चौकी में जाओ तो पुलिस चौकी का जो इंचार्ज है, अगर आप एफआईआर नोन करने के लिए जाओ तो आपके ही पिछवाड़े पे दो डंडा लगा देता है। काल्पनिक बातें नहीं, मैं तो ऐसे केसेस लड़ रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं, मेरे पास तो एविडेंसेस है। जिस देश में पुलिस चौकी के अंदर नागरिकों का एफआईआर नोंद नहीं होता हो, उस देश में परिस्थिति कितनी भयंकर खराब हो गई है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। आज इस देश में शेड्यूल कास्ट के लोगों पर अत्याचार हो रहा है, शेड्यूल ट्राइब के लोगों पर अत्याचार हो रहा है, नॉमिनी ट्राइब के लोगों पर अत्याचार हो रहा है, मोस्ट वर्कर क्लास के लोगों पर अत्याचार हो रहा है, ओबीसी के लोगों पर अत्याचार हो रहा है, माइनॉरिटी के लोगों पर अत्याचार हो रहा है, जिसे आप पंजाबी में किरगंथी कहते हो। किरगंथी में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, सिखों पर अत्याचार हो रहा है, बरगाड़ी में सिख लोग कई महीने से गुरु ग्रंथ साहब की बेगड़ी के विरोध में बैठे हुए, जो नौजवान बेदबी के विरोध में प्रोटेस्ट कर रहे थे, पुलिस वालों ने उनको गोली गोली से मारा, पुलिस वालों ने उनको गोली से मारा और एफआईआर लिख दिया। तो पता नहीं किसने मारा, देखने वालों ने कहा इन्हीं ने मारा, जस्टिस रंजीत सिंह कमीशन ने कहा फलाने लोगों ने गोली मारने का आदेश दिया, नाम लिखा, गोली मारने वालों का नाम लिखा, गवाहों का नाम लिखा, और सारा समूह के साथ में दे दिया। इसके बावजूद भी अपराध करने वालों के विरोध में एफआईआर नहीं हुआ। परिस्थितियां कितनी ज्यादा बिगड़ी हुई है इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। बुद्धिस्ट लोगों का आप हैरान हो जाओगे, बोध गया में जो बुद्ध मंदिर है उस पर ब्राह्मणों का कब्जा, बौद्धों का होना चाहिए ब्राह्मणों का कब्जा, जैन लोगों पर अत्याचार हो रहा है वो कहते ये भी हिंदू है, लिंगायतों ने कहा ये भी हिंदू है,
वो कहते हैं हम नहीं है, फिर भी उनको जबरदस्ती से कहा जा रहा है। तो सभी 85% लोगों पर अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, और जो अन्याय और अत्याचार करने वाले लोग हैं उनकी संख्या 3.5% है, जिन पर अत्याचार हो रहा है उनकी संख्या 85% है। 3.5% लोग 85% पर अत्याचार कर नहीं सकते मगर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 14 अगस्त 1947 तक अंग्रेज भारत का शासक वर्ग था, 15 अगस्त 1947 से ब्राह्मण भारत का शासक वर्ग हो गया। शासक वर्ग का मतलब होता है जिसके नियंत्रण में मिलिट्री होती है, जिसके नियंत्रण में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है, जिसके नियंत्रण में एसआरपी सीआरपी होता है, और जिसके नियंत्रण में पुलिस फोर्स होता है। और इसलिए ब्राह्मण हमारे आमने सामने आकर हमारी पिटाई नहीं करता है, वो जब पिटाई करना होता है तो मिलिट्री लगाता है, पुलिस लगाता है, बॉर्डर सिक्योरिटी एसआरपी सीआरपी लगाता है, उनके द्वारा हमारी पिटाई करवाता है। 84 में स्वर्ण मंदिर पर दरबार साहिब पर इन्हीं लोगों ने मिलिट्री का हमला करवाया। मिलिट्री विदेशी लोगों से लड़ने के लिए बनाई जाती है, अपने ही देशवासियों के लिए लड़ने के लिए नहीं बनाई जाती है, मगर उन्होंने ऐसा किया। ये सारा का सारा इस बात का सबूत है कि ब्राह्मणों ने इस देश पर अंग्रेजों के से भी ज्यादा भयंकर तरीके से कब्जा कर लिया है। इसलिए साथियों, हम सभी लोगों पर अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, और ये अन्याय और अत्याचार को अगर आप रोकना चाहते हो तो इतनी ज्यादा संख्या होने के बावजूद भी हम क्यों नहीं रोक पा रहे हैं, उसकी वजह शेड्यूल कास्ट के लोग अन्याय हो रहा है लड़ रहे हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोगों पर अन्याय हो रहा है लड़ रहे हैं, अलग अलग एमबीसी के, ओबीसी के, एनटी डीएनटी वीजेएनटी के लोग अलग अलग लड़ रहे हैं, ये सारे के सारे लोग माइनॉरिटी के लोग अलग लड़ रहे हैं, मुसलमान अलग लड़ रहे हैं, सिख अलग लड़ रहे हैं, ईसाई अलग लड़ रहे हैं, और बुद्धिस्ट और जैनी अलग लड़ रहे हैं, लिंगायत अलग लड़ रहे हैं, सारे के सारे लोग लड़ रहे हैं मगर किसी को भी कामयाबी नहीं मिल रही है। उसकी वजह ये सब अलग 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 लड़ रहे हैं, अलग अलग लड़ने की वजह से इनको न्याय नहीं मिल रहा है। इन लोगों को तब तक न्याय नहीं मिल सकता जब तक ये लोग इकट्ठा होकर लड़ाई नहीं लड़ेंगे। ये अगर अलग अलग लड़ाई लड़ते रहेंगे तो इनकी पिटाई वो लोग करते रहेंगे, इनकी पिटाई होती रहेगी, और पंजाबी भाषा में कहा जाए तो इनकी कुटाई होती रहेगी। कुटाई बोलते ना, हाँ, इनकी पिटाई होती रहेगी और इनकी कुटाई लुटाई, हाँ, लुटाई कुटाई सब कुछ होती रहेगी। इकट्ठा आए बगैर इस समस्या का समाधान होने वाला नहीं है, इन सभी लोगों को इकट्ठा आना हो। अगर हम सब 85% लोग इकट्ठा आ जाते हैं तो इकट्ठा आ जाते हैं तो हम भी पंडित की पिटाई करने लायक हो सकते हैं। अगर हम इकट्ठा हो गए तो हम भी पंडित की पिटाई करने लायक हो सकते हैं, मगर हम लोग पंडित की पिटाई करने के लिए इकट्ठा नहीं होना चाहते। हम इकट्ठा होना चाहते हैं मगर पंडित की पिटाई करने के लिए इकट्ठा नहीं होना चाहते। अगर 85 इकट्ठा हो गया तो उसको पीटने की जरूरत ही नहीं है, तो शरणागत हो जाएगा। 85% लोग अगर इकट्ठा हो जाते हैं, इकट्ठा होना होगा, और इकट्ठा क्यों होना होगा? दुनिया में इंसाफ कायम करने के लिए इकट्ठा होना होगा। बुरियों ने तलवार उठाई तो मजलूमों की रक्षा करने के लिए तलवार उठाई है। बुरियों ने जो तलवार उठाई तो मजलूमों पर कृपा करने के लिए तलवार उठाई है, इसलिए तलवार को तलवार नहीं कृपाण कहा जाता है, कृपा करने वाला हथियार। जो तलवार अन्याय करने के लिए हो वो तलवार होती है, और जो तलवार कृपा करने के लिए होती है वो कृपाण होती है। तो गुरुओं का आदेश है हम सब लोगों को कि किसी को दुनिया में अन्याय नहीं होना चाहिए, तो हम इकट्ठा होना चाहिए और दुनिया में इंसाफ कायम करने के लिए, न्याय कायम करने के लिए इकट्ठा होना चाहिए। ऐसा
करना होगा, ऐसा करने के लिए ये परिवर्तन यात्रा सारे देशभर में निकाली गई। ब्राह्मणों ने आजादी के आंदोलन में हम लोगों को कहा कि अंग्रेजों की एक नीति है बांटो और राज करो, सही है, अंग्रेजों की नीति थी। उन्होंने हिंदू और मुसलमान दो हिस्सों में लोगों को बांटा था, अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमान के लोगों को बांटा था, दो हिस्सों में बांटा था, मगर ब्राह्मणों ने यहां के वन निवासी बहुजनों को 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा, 1700 जातियां जरूर काज की है, 900 जातियां आदिवासियों की है, 3743 जातियां ओबीसी की है, गिनती कर लो 6000 से कम नहीं, 6000 से ज्यादा ही है। ब्राह्मणों ने 6000 जाति के टुकड़ों में इनको बांटा। हम बटे हुए लोग नहीं है, हम बांटे हुए लोग हैं, ब्राह्मणों के द्वारा बांटे हुए लोग हैं। इसलिए ये जो बांटे हुए लोग हैं उन लोगों को जगाना होगा। ये परिवर्तन यात्रा इसलिए निकाली गई है कि ये बांटे हुए लोगों को जगाना होगा। पहला कार्यक्रम है इनको जगाना होगा और जगे हुए लोगों को जोड़ना होगा। पहले जगाना होगा और जगे हुए लोगों को जोड़ना होगा और जोड़े हुए लोगों से शक्ति का निर्माण करना होगा, क्योंकि जो तगड़े हो गए हैं उनसे कमजोर लड़ाई नहीं लड़ सकता। कमजोर तब लड़ाई लड़ सकता है जब शक्ति का निर्माण होगा, और शक्तिशाली हो जाएंगे कमजोर लोग तो फिर ताकतवर लोग तगड़े लोगों से लड़ सकते हैं। इसलिए पहले शक्ति का निर्माण करना होगा, पहले तो जगाना होगा, फिर जोड़ना होगा, जोड़कर शक्ति का निर्माण करना होगा, और फिर शक्ति के उपयोग से तगड़े लोगों का मुकाबला करना होगा, ऐसा करना होगा। ऐसा करने के लिए आप साथ सहयोग करोगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने ये बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। शिवजी।